खबर चुनार से है। चुनार क्षेत्र के सरैया सिकंदरपुर प्राथमिक विद्यालय, जो कि गांव का इकलौता प्राथमिक विद्यालय है, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या 232 है। इसके बाद भी इस विद्यालय में महज 2 कमरे हैं। आपको बता दें कि कमरे के अभाव के कारण सभी बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करते हैं, जिस कारण ठंड के मौसम में उन्हें कोहरे, ठंडी हवाएं एवं गलन का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी एवं बरसात के मौसम में भी बच्चों को पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहां गांव में एक ही प्राथमिक विद्यालय है, वहीं विद्यालय से महज 100 मीटर दूर पुरातत्व विभाग है, जिस कारण विद्यालय में कोई भी कमरे का निर्माण नहीं हो पा रहा है। विद्यालय में कमरे का निर्माण हो रहा था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस पर रोक लगा दिया, जिस कारण कक्षा का निर्माण पूरी नहीं हो सका। विद्यालय में जो 2 कमरे मौजूद हैं, उसमें भी आंगनबाड़ी भी इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती है, जिस कारण प्राथमिक विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों को ठंडी के मौसम में भी पेड़ के नीचे अपनी पढ़ाई करनी पड़ रही है। विद्यालय में कक्षा कम होने पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग में की, लेकिन इसका भी कोई निर्णय नहीं निकला और विद्यालय में कोई भी कार्य कक्षाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। जैसे आप देख रहे हैं कि विद्यालय के 2 भवनों में से 1 कमरे में हमारा रसोईया का सारा सामान, बर्तन, अनाज वगैरह और जितने विद्यालय से संबंधित सामान है वो रहते हैं। और ये जिला पंचायत का भवन है विद्यालय के अंदर, उसी में खाना बनता है। चल करके आप उसको देख सकते हैं। सर थोड़ा सा कैमरा आप उस साइड दिखा दीजिए। आज मैं सरैया सिकंदरपुर विद्यालय में आया हूँ और यहाँ पे विद्यालय का जो प्रांगण है उसका नाम है, और यहाँ पे हम लोग शौचालय और पानी और बच्चों की क्या व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराई गई है उसके विषय में जानकारी आ लेंगे। आइए देखते हैं पहले शौचालय। आज तो दोस्तों देखिए जैसा कि आपने देखा कि शौचालय पूरी तरह ठीक ठाक है, बच्चों को मतलब इस शौचालय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं देखने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। हमारे बीच में सहायक टीचर खड़े हैं, आज मैं इनसे बात करता हूँ जो विद्यालय में समस्याएं हैं और विद्यालय में बच्चों के लिए जो बैठने के विद्यालय है कि नहीं है, इस विषय में आज सर से हम बात करते हैं। तो सर आपका नाम? अश्वनी कुमार द्विवेदी। सर ये बताइए कि जो विद्यालय अपने है आपका, उसमें बच्चों को क्या तकलीफें और क्या समस्याएं हैं, इसके विषय में कुछ बताएंगे? तकलीफ सामान्यतः आप लोग जैसा आपने आसपास देख रहे हैं कि विद्यालय में सिर्फ 2 कमरों का भवन है और बच्चे हमारे यहाँ 250 से ज़्यादा नामांकित हैं वर्तमान सत्र में, और बच्चों के बैठने के लिए कमरे की उचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए बच्चे पेड़ के नीचे दरी लगा करके वहाँ पर बैठ करके पढ़ाई करते हैं। तो सर ये जो विद्यालय आधा बना हुआ है तो इसके विषय में क्या आप बताएंगे कुछ? जैसा आप उधर देख रहे हैं बगल में पुरातत्व विभाग की एक बिल्डिंग है, जिसको अंग्रेजों के समय में प्राचीन तहसील था और वो इफ्तिखार खां का मकबरा है। जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं, ये पुरातत्व विभाग के का भवन है, जिसके सरकारी नियम के अनुसार 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। इसी कारण से बिल्डिंग जो हमारे विद्यालय की है वो बन नहीं पा रही है। जैसा कि मैं बच्चों के क्लासरूम में आया हूँ और यहाँ पे व्यवस्था न होने के कारण बच्चे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। देखिए सब बच्चे इसी तरह पेड़ के नीचे, विद्यालय न होने के कारण, न उपलब्ध हो पाने के कारण
उनको पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है। ये हर मौसम में इसी तरह बैठते हैं और बरसात के मौसम में तो इन्हें बहुत ही काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ये बेचारे इसी तरह धूप छांव गर्मी बरसात पूरा झेलते हैं।